स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आ चुके हैं तिब्बतियन मार्केट, जो कि कानपुर के प्रसिद्ध मंदिर बारह देवी मंदिर के पास लगी हुई है। तो यहाँ से हम लेते हैं एंट्री। ये मार्केट बारह देवी के रामलीला ग्राउंड पर लगी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करने की भी फैसिलिटीज मिल रही है, तो आपको पार्किंग से रिलेटेड भी कोई इश्यूज नहीं होंगे। और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, उसमें हम आपको बहुत मज़े मज़े वाली चीज़ें बताना चाहेंगे, जिससे भी आप लोग भी वहाँ जा करके उस चीज़ का लाभ उठाएं। सो मस्ट वॉच। तो यहाँ अंदर जाते ही हमें देखने को मिलता है एक अच्छा कलेक्शन विंटर गारमेंट्स का, यानी स्वेटर शॉल, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। इस मार्केट की बेस्ट चीज़ ये है, मैं आपको बताऊं, जो मैंने वहाँ ऑब्जर्व की है, फिक्स्ड प्राइस है। लाइक आपको कोई बार्गेनिंग वाला सिस्टम नहीं है, जिससे कि हमें बहुत वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है। आप सबको ये चीज़ पता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैकेट्स, स्वेटर्स ऑफ बोथ जेंट्स एंड लेडीज का कितना अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान मिल सकता है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ फर्स्ट शॉप से, जहाँ मैंने बहुत सुंदर सुंदर से स्वेटर्स देखे और मुझे तो बहुत पसंद आए। मैंने तो कलेक्शन देखा ना, तो मेरे मन से तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। लाइक आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना अच्छा कलेक्शन आई थिंक पूरे कानपुर में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्वालिटी की बात कीजिए तो क्वालिटी बहुत अच्छी है और कलेक्शन आप देख ही सकते हैं। और मैं तो ना इस मार्केट का वेट ही कर रही थी कब ये कानपुर में मार्केट लगे, क्योंकि ऑल ओवर स्टेट्स में लगाई जाती है। तो मैं वेट कर रही थी कब ये कानपुर में आए, क्योंकि लास्ट बार जब ये कानपुर में लगी थी तो मैंने यहाँ से काफ़ी स्वेटर्स परचेज किया था। जस्ट फिर इस दुकान पर रुक के हमने देखे कुछ हाफ स्वेटर्स, जिनके स्टार्टिंग मैक्सिमम 400-500 से थी। ये कुछ लेडीज के आइटम्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेजर्स एंड ड्रेसेस हैं। और जो भैया लोग थे ना यहाँ पर, वो भी इतने अच्छे से हमें ट्रीट कर रहे थे, वो सारी क्वालिटीज हमें बता रहे थे कि मज़ा ही आ रहा था। एक पिंक स्वेटर हमने देखा जो हम ट्राई करने वाले हैं, इसका प्राइस था 1100, बट द कलर एंड द पैटर्न वाज सो ऑसम। फैब्रिक तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि फैब्रिक बहुत अच्छा था। लाइक मुझे कुछ भी ऐसा दिखा ही नहीं जिसका फैब्रिक अच्छा ना हो। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे वो भी हमको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, भी लाइक कि ये वाला आप ये ले सकते हो। लाइक जनरली जो चीज़ें सजेस्ट करनी होती हैं वो हमें सजेस्ट कर रहे थे, वो हमें एक चीज़ की नंबर ऑफ वेराइटीज हमको दिखा रहे थे, लाइक कलर पैटर्न्स, और लाइक वो इवन इतना फ्रेंडली बोल रहे थे कि आप इसको ट्राई करके देखो, ये आप पे अच्छा लगेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो हमसे इतना अच्छे से डिस्कशन कर रहे थे, वो चीज़ बहुत प्यारी लगी मुझे। फिर शॉप में आके हमने देखी कुछ कुर्तियाँ, जिनकी स्टार्टिंग थी 1800 से 2000 तक। ये थी एक वेलवेट कुर्ती जो हमने देखी, और इसका कलर तो खैर बहुत ही अच्छा है। फिर देखिए हमने कुछ कैप जिनकी शॉप में ऊपर लगी हुई थी, इसकी स्टार्टिंग में लाइक 150-200 थी, बट दी कैप वर आल्सो सो। फिर इन्होंने उस कुर्ती का पैंट दिखाया जो कि बहुत स्ट्रेचेबल है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और यहाँ पर पता है आपको हर साइज़ के कपड़े अवेलेबल थे, लाइक छोटे से छोटा बच्चा हो और बड़े से बड़ी लेडी हो, जेंट्स हो, सबके कपड़े अवेलेबल थे। लाइक स्मॉल साइज़ से लेकर 4XL, 5XL, मतलब हर साइज़ के कपड़े अवेलेबल थे। पतले से पतला इंसान जा कर के ले सकता है, और मोटे से मोटे इंसान के कपड़े वहाँ पर मिल रहे थे, जो कि बेस्ट चीज़ थी। फैब्रिक तो अच्छा था ही, मैं बार बार ये चीज़ आपको बोल रही हूँ। लाइक इनके यहाँ के कपड़े ऐसे होते हैं कि वो कपड़े हीट देते हैं, लाइक कुछ कुछ ऐसे शो ऑफ के लिए कपड़े होते हैं, बट इनका जो फैब्रिक होता है वो बहुत अच्छा होता है। फिर हमने एक शॉप में जाके देखी है जैकेट्स, जिनकी प्राइस की स्टार्टिंग थी 900 से, बट अगेन द क्वालिटी अगेन 10/10, जस्ट वाव द कलेक्शन। यू कैन अगेन सी दे हैव अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, कलर, साइज, सब कुछ अवेलेबल दिख रहा था, तो मुझे तो मजा ही आ रहा था। सम मोर स्वेटर्स जिनकी स्टार्टिंग भी ऐसे ही थी फ्रॉम 1000 एंड 1100, बट यस दे आर जस्ट वर्थ बाइंग। फिर इन्होंने दिखाया
भाई हमें कुछ जैकेट्स जैसे आप देख सकते हैं, इनकी स्टार्टिंग भी यही थी लाइक 1200 एंड 1300, बट यस वी आर लाइक सो ब्यूटीफुल। मुझे तो ना वैसा वाला स्टफ पसंद आता है जो ज़्यादा फ्लफी नहीं होता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा स्टफ पसंद आता है। मुझे तो ज़्यादा हार्ड वाला स्टफ नहीं पसंद आता है, मुझे थोड़ा स्लिम इस टाइप वाला पसंद आता है। आप भी मुझे बताइएगा आपको कैसा पसंद आता है। मुझे ये सबसे अच्छी एक बात ये लगी कि यहाँ पे आप ठगे नहीं जाएंगे, यहाँ पे नो बार्गेनिंग ओनली फिक्स्ड प्राइस। और ये विंटर में जो कलेक्शन आया होता है ये तो बहुत प्यारा लगता है, वेलवेट कलेक्शन, ओह माय गॉड, लाइक 3 पीस 2 पीस अनारकली वेलवेट में आया हुआ है न्यू कलेक्शन में, बहुत अच्छा कलेक्शन है, लाइक बहुत प्यारा लगता है, लाइक पहना हुआ भी मैंने लोगों को देखा है, बहुत सुंदर सुंदर है और डिज़ाइंस बहुत प्यारी हैं, कम्फर्टेबल है। फिर हमने और दुकानों के और कलेक्शन देखे, दैट वाज रियली इंप्रेसिव। मुझे तो यहाँ पे ना वेलवेट कुर्ते जो बहुत सुंदर थे विंटर कलेक्शन के लिए, 3 पीस 2 पीस और बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिख रहे थे, जिसमें उन्होंने बार बार आपको ऑफर कर रहे थे कि आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, आपको फैब्रिक समझ में आएगा, आपको आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, लाइक वो बार बार आपसे बोल रहे। और मैंने विंटर लैगिंग देखी जो 3300 की थी, बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी, लाइक आप कोई भी कुर्ती के साथ उसको वेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर सा पैटर्न था उसका। यहाँ पे लेडीज स्वेटर्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग एज यूजुअल 900 800 एंड 1000, फिर और क्वालिटी वाइज प्राइस बढ़ता जा रहा था, बट दैट क्वालिटी वाज लाइक सो गुड। फिर मैंने जाकर के ये स्वेटर परचेज किया जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, और शॉल्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सी थी, शॉल्स भी बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी, लाइक एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। एंड यहां हमने देखे कुछ स्लीपर्स जो हम लाइक होम में यूज कर सकते हैं, इट वाज आल्सो वेरी वार्म एंड रियली सॉफ्ट। लेडीज़ कलेक्शन तो वैसे भी पॉपुलर है, लाइक बहुत सारे कलेक्शन हमारे पास आते हैं, बट बॉयज़ में थोड़ा लिमिटेड कलेक्शन होता है, लेकिन लिमिट में भी वैरायटीज़ दिखाना इट्स लाइक अ बिग टास्क, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ दिखाई और बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन में दिखा रहे थे, जो कि देखकर बहुत मज़ा आ रही थी, और पैटर्न्स बहुत प्यारे थे, फैब्रिक भी आउटस्टैंडिंग, और मज़ा ही आ रहा था मुझे चीज़ें देख देख कर, लेने में भी मज़ा आ रहा था, प्राइस भी अफोर्डेबल था, तो लाइक हम परचेज भी कर सकते थे। और दे रियली हैव द बेस्ट कलेक्शन ऑफ जैकेट, लाइक यू कैन सी दिस जैकेट, ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। प्राइस भी बहुत सही था, 800-900 था तो, और सब साइज भी इनके पास थे, तो बहुत प्यारी लग रही थी, लाइक जो स्टफ तो जो वहाँ का था बहुत स्मूथ था, मुझे वैसे भी फ्लफी नहीं पसंद है, आप बताइएगा आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। क्वालिटी तो बेस्ट थी, और ये हैंडमेड सॉक्स जो थे तो बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने क्यूट क्यूट से लग रहे थे, छोटे छोटे स्लीपर्स बहुत प्यारी प्यारी थी, प्राइस भी सही था, लाइक 300 था जो आपको मार्केट में भी मिलता है, यहाँ पर भी था। मुझे तो सॉक्स हैंड ग्लव्स बहुत पसंद आए थे, लाइक मफलर्स थे बहुत प्यारे प्यारे से थे, कैप थी, कैप विथ मफलर्स थे, 100-100 2-200 प्राइस था उसका, बहुत प्यारे लग रहे थे। वूल भी बहुत अच्छा यूज़ किया है इन लोगों ने, और कलेक्शन तो अच्छा है ही वहाँ का, फैब्रिक तो जस्ट आउटस्टैंडिंग।
गॉड, अ बेस्ट कलेक्शन फॉर बॉयज आल्सो, लाइक नॉट ओनली फॉर लेडीज, यू कैन गेट द बेस्ट कलेक्शन फॉर बॉयज आल्सो, लाइक डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्वेटर्स, जैकेट्स फॉर देम आल्सो। A beautiful shop for ladies that is filled with such warming kurtis. Beautiful blazers. Let's start from 1800 to 2000. मैंने दिखाया ये beautiful सा pink coat. Actually सच में बहुत beautiful है. इसका price भी था 1900 something का. But yes, it is so warm, like so classy to wear. देखिए कुछ और ब्लेजर्स जो कि इन विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है टू अटेंड अ पार्टी और वेदर टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन।
मोर जैकेट्स फॉर गर्ल्स। आई रियली लव दिस पिंक जैकेट, इट वॉज ऑफ रियली गुड क्वालिटी एंड इन अफोर्डेबल प्राइस। फिर यहाँ पे थी कुछ जैकेट जिनकी स्टार्टिंग थी यही 1500 से 2000 तक। एंड हियर कम्स अगेन अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ स्वेटर फॉर वुमेन। लाइक यू कैन सी द कलर, द क्वालिटी वाज रियली ऑसम अगेन। एंड तक बने रहेगा, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। वो मुझे यहाँ के शॉपकीपर से बात करके पता चला कि लास्ट जैन यानी 25 जैन के बाद से 10 फेब तक ये लोग पर्टिकुलर स्टेट में रहेंगे और तब ये लोग 20% डिस्काउंट में हमें चीज़ें देंगे, तो ऑब्वियसली हम उस टाइम पर प्रेफर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सुनहरे गीतों के संगम को प्यार और लाइक कमेंट जरूर दें।